नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैमरिंग के बारे में, यानी तुतलाहट। बोलते वक्त लोग अटक जाते हैं, सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाते। ऐसी समस्या के लिए होम्योपैथी में इसका सफल इलाज है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो स्टैमरिंग में बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। दोस्तों, जब टंग मोटी हो जाए, यानी थिकनेस ऑफ टंग रहे, जुबान मोटी हो जाने के वजह से लोग सही से बात नहीं कर पाते हैं। बात करते वक्त जुबान नहीं पलटती है। अगर ऐसी समस्या है तो आप उसमें नेट्रम का 30 पोटेंसी का यूज़ कीजिए। इसे सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए, आपकी बोलने की समस्या और जुबान जो मोटी हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बच्चों में ज़्यादातर तुतलाहट की समस्या देखने को मिलती है। अगर बच्चों में तुतलाहट की समस्या है, बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी उनकी तुतलाहट की समस्या अभी तक दूर नहीं गई है, अभी भी तुतला रहे हैं, तो उसमें बोविस्टा 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। ऐसे बच्चों के तुतलाहट की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, बात करते करते कभी कभी लोग रुक जाते हैं, ज़्यादा स्टॉपेज होता है, ज़्यादा देर तक रुके हुए रहते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। हर बार बात करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेक लेना पड़ता है। अगर ऐसी समस्या आती है तो आप कैलिब्रोम 6x पोटेंसी में यूज़ कीजिए। इस तरह की समस्या के लिए कैलिब्रोम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे यूज़ करने से आपके रुक रुक करके बात करने की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। दोस्तों, कभी कभी बात करते वक्त कुछ शब्द छूट जाता है, यानी हम जब कुछ बात कर रहे होते हैं तो जो जो शब्द हम बोल रहे होते हैं उनमें से कुछ शब्द छूट जाते हैं। अगर इस तरह की समस्या होती है, बात करते वक्त हर बार हर स्टेटमेंट में कुछ स्पेसिफिक वर्ड छूट जाते हैं, अगर ऐसी समस्या होती हो तो कैमोमिला 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव होती है ऐसी समस्या के लिए। कैमोमिला को यूज़ करने के बाद आपकी 2 से 3 महीने के अंदर ही बात करने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, कुछ लोगों में देखा जाता है कि बात तो ठीक कर लेते हैं लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग गलत उच्चारण की तरह से करते हैं। यानी अगर उन्हें कैंची बोलने की ज़रूरत पड़े तो वो चैंकी बोलेंगे, पलंग बोलने की ज़रूरत पड़े तो लपंग बोलेंगे। यानी अजीबोगरीब शब्दों का उच्चारण होता है। वो कहना तो चाहते हैं सही शब्द लेकिन उनके मुँह से सही शब्द निकलता नहीं है। अगर ऐसी समस्या है तो आप लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए। सही शब्द का उच्चारण करने कि जो क्षमता है उनमें वापस आ जाएगी। और साथ में एक बात और भी है कि लाइकोपोडियम के पेशेंट में सिर्फ बोलने के समय ही नहीं बल्कि लिखते समय भी शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, यानी स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। अगर ऐसी समस्या है तो उनमें लिखने में भी जो गलतियाँ होती हैं उनमें भी सुधार होगा, साथ में बोलते वक्त जो गलतियाँ करते हैं उसमें भी बहुत अच्छा सुधार होगा। दोस्तों, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बात जो करना चाहते हैं मुंह तक बात आ जाती है लेकिन मुंह से निकलती नहीं है। अगर ऐसी समस्या होती है कि मुंह की बात मुंह में रह जाए, बाहर ना निकले, तो उसमें आप सिक्यूटा विरोसा 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसे सुबह दोपहर शाम यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और आप सही तरह से बात कर पाएंगे। हमारी आखिरी मेडिसिन है लेकेसिस। दोस्तों, जब किसी खास शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाना या किसी खास शब्द को बोल ही नहीं पाना, बात ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन कुछ कुछ ऐसे खास शब्द हैं पेशेंट के लिए कि वो शब्द जब भी आते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। अगर ऐसी समस्या होती है तो आप लेकेसिस का यूज़ कर सकते हैं। साथ में उन शब्दों को प्रयोग करने के लिए उन्हें बार बार जीभ को निकालना पड़ता है। ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप लेकेसिस का यूज़ कीजिए, जल्दी आराम होगा। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दिया गया है तो उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में।